देश में महिलाओं के प्रति बर्बरता की नई घटनाएं हर रोज घट रही हैं, लेकिन क्या अब तक पहुंच रही हैं? मीडिया को यूक्रेन के मलबे में सर घुसाने से फुर्सत नहीं मिल रही और देश के नागरिक अपनी बेटी के बलात्कार का बयान करते करते बेहोश हो रहे हैं। 5 साल की मासूम बेटी को हवस मिटाने का सामान बना रहा है समाज आपका, बेटियों के शरीर पर दांतों के निशान बना रहा है मोहल्ला आपका, रेप के बाद मासूम को जिंदा गाड़ रहा है शहर आपका, और जिंदा बचे तो गला काट रहा है गांव आपका। जी हाँ, आपके आसपास जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जाति धर्म की राजनीति करने वाले, घटिया राजनेताओं के पीछे चलने वाले मिट्टी के पुतले हो गए हैं आप। आपको ना किसी और का दर्द दिख रहा है, ना किसी की चीखें सुनाई दे रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ नशा दिख रहा है जो आपको परोसा जा रहा है। एक नेता हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आप उसके गुलाम बनकर मुसलमानों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। गुजराती को भगवान बनने का नशा हो रहा है तो हजारों हिंदू पुरुष महाकाल बनने लगते हैं, हजारों हिंदू महिलाएं दुर्गा बनने लगती हैं। लेकिन जैसे ही बेटी पर हिंदू बलात्कार करता है तो सबकी मर्दानी चूल्हे में घुस जाती है। मैं पूछता हूँ हर हिंदू पुरुष और महिला से, मैं पूछता हूँ हर मुस्लिम पुरुष और महिला से, कब तक ये दोगला जीवन जियोगे? कब तक ये अंधापन अपने माथे पर लिए फिरोगे? कब तक बेटी बेटी में फर्क करोगी आप? क्यों बहिष्कार नहीं कर सकती बलात्कारी पुरुषों का? हुक्का पानी शादी राखी धागा रिश्ते व्यवहार बलात्कारियों से बंद क्यों नहीं कर देती? देश में महिलाओं के प्रति बर्बरता की नई घटनाएं हर रोज घट रही हैं, लेकिन क्या अब तक पहुंच रही हैं? मीडिया को यूक्रेन के मलबे में सर घुसाने से फुर्सत नहीं मिल रही और देश के नागरिक अपनी बेटी के बलात्कार का बयान करते करते बेहोश हो रहे हैं। 5 साल की मासूम बेटी को हवस मिटाने का सामान बना रहा है समाज आपका, बेटियों के शरीर पर दांतों के निशान बना रहा है मोहल्ला आपका, रेप के बाद मासूम को जिंदा गाड़ रहा है शहर आपका, और जिंदा बचे तो गला काट रहा है गांव आपका। जी हाँ, आपके आसपास जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप अच्छाई को सम्मान देना भूल गए हैं, बुराई का विरोध करना भूल गए हैं, आप डरे हुए हैं। आप कितनी भी फूलमाला चढ़ा लो भगत सिंह पर, कितने भी तूफान उठाओ लक्ष्मीबाई के नाम पर, कितना भी गरज लो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, कितना भी तिरंगा लेकर चिल्लाओ शोर मचाओ, लेकिन अंदर से आप इनमें से किसी के भी वंशज कहलाने लायक नहीं रहे। आप में ना मर्दानगी बची है, ना इंसानियत, ना महिलाओं में दुर्गा बची है, ना लक्ष्मीबाई, ना पुरुषों में शिवाजी बचे हैं, ना महाराणा प्रताप, ना कोई टीपू सुल्तान बचा है, ना कोई अली बाकी है देश में। सबके सब डर में सहमे हुए पुतले फिर रहे हैं। जाति धर्म की राजनीति करने वाले, घटिया राजनेताओं के पीछे चलने वाले मिट्टी के पुतले हो गए हैं आप। आपको ना किसी और का दर्द दिख रहा है, ना किसी की चीखें सुनाई दे रही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नशा दिख रहा है जो आपको परोसा जा रहा है। एक नेता हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आप उसके गुलाम बनकर मुसलमानों को मारने पर उतारू हो जाते हो। दूसरा नेता आता है, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है, आप उसके गुलाम बनकर हिंदुओं को मारने पर उतारू हो जाते हैं। कोई यादव शेर बन रहा है, कोई जाट शेर बन रहा है, कोई तमिल शेर बन रहा है, कोई बंगाली शेर बन रहा है, किसी गुजराती को भगवान बनने का नशा हो रहा है, किसी मराठी को महाराज बनने का, किसी कश्मीरी को आतंकी बनने में भलाई दिख रही है, किसी नागालैंड के नागरिक को बागी बनने में गौरव महसूस हो रहा है, लेकिन देश को देश बनाने की बात आप नहीं कर रहे। कोई नहीं सोच रहा कि सबका भारत कैसे बने। अगर हिंदू बेटी पर मुस्लिम रेप करे तो हजारों हिंदू पुरुष महाकाल बनने लगते हैं, हजारों हिंदू महिलाएं दुर्गा बनने लगती हैं, लेकिन जैसे ही बेटी पर हिंदू बलात्कार करता है तो सबकी मर्दानगी चूल्हे में घुस जाती है। न महिलाओं को बेटी का दर्द दिखता है, न पुरुषों को चीखें सुनाई देती, और दूसरे मोहल्ले में यदि कोई हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का लव मैरिज करे तो मुस्लिमों के ठेकेदार बनने वाले बुजुर्ग मुल्ला मौलवी शाबाशी देने लगते हैं, मदद करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम की बात करे तो उसके
टुकड़े टुकड़े करने की धमकी आने लगती हैं। वही मुल्ला, वही मौलवी धर्म सिखाने लगते हैं, मर्यादा और इज्जत की किताबें माथे पर रखने लगते हैं, कुरान पाक की कसम खिलाने लगते हैं। मैं पूछता हूं हर हिंदू पुरुष और महिला से, मैं पूछता हूं हर मुस्लिम पुरुष और महिला से, कब तक ये दोगला जीवन जियोगे? कब तक ये अंधापन अपने माथे पर लिए फिरोगे? कब शर्म आएगी तुम्हें? कब तक इंसान होकर इंसान से दूर भागोगे? कब इंसानियत समझोगे? कब समझोगे ये राजनीति में नफरत सिखाने वाले लोगों का खेल? कब तक एक दूसरे को पैदाइशी अपराधी मानोगे? कब एक बलात्कारी में धर्म देखकर फर्क करोगे? कब तक शरीर नोचने वाले जानवरों को अपना भाई अपना बेटा कहते रहोगे? कब हिम्मत आएगी गलत को गलत कहने की? कब मर्दानगी जागेगी बलात्कारी को बलात्कारी कहने की? पूछता हूं देश की महिलाओं से, कब तक बेटी बेटी में फर्क करोगी आप? क्यों बहिष्कार नहीं कर सकती बलात्कारी पुरुषों का? हुक्का पानी शादी राखी धागा रिश्ते व्यवहार बलात्कारियों से बंद क्यों नहीं कर देती? बलात्कारी महिलाओं पर हाथ उठाने वाले गालियां देने वाले पुरुषों को घर की दहलीज की सीमा से बाहर करने की हिम्मत कब दिखाएंगी आप? क्या मुस्लिम की बेटी होगी तो हिंदू पुरुषों के सामने उसे नोचने के लिए परोस देंगे आप और फिर भी औरत कहलाएंगे? क्या आप अपने बेटे से अपने पैर छुआने लायक बचेंगी? क्या किसी भाई को राखी बांधने लायक रहेंगी आप? क्या खुद को दुर्गा का रूप कहते वक्त भगवान का डर नहीं लगेगा? क्या आपकी बहन बेटी के शरीर को ऐसे ही नुचते हुए देखने के लिए तैयार रहेंगी आप? पूछना चाहता हूं मुस्लिम औरतों से कि यदि हिंदू बेटी का शरीर नोचकर रेप करने वाले मुस्लिम को कैसे माफ कर रही हैं आप? क्या आपका इस्लाम पुरुषों को दरिंदा होना सिखा रहा है और औरत होने के नाते आप हिंदू और मुस्लिम बेटी में फर्क करने का अधिकार रखने लगी? हिंदू की बेटी बहू बनकर आ जाए तो आपका सर ऊंचा हो जाता है और खुद की बेटी हिंदू की बहू बने तो आपका खून खोल जाता है। किस मुंह से आईना देखोगे जब ये याद करोगी कि परमात्मा भी अगर जमीन पर आता है तो वो भी एक माँ की कोख चुनता है जमीन पर आने के लिए। आप परमात्मा को जमीन पर लाने वाली कुदरत का नगीना है और आप में इतनी वहशत इतनी निम्न सोच कैसे आ जाती है और आप उसके साथ खुश भी कैसे रह सकती हैं? सुनिए, आप लोग चाहे हिंदू महिला हों या मुस्लिम खातून, आप हिंदू मुस्लिम तब तक हो जब तक अपने घर में हो। जैसे ही घर से निकलती हो आप सिर्फ एक महिला होती हैं और आपकी बेटी आपकी बहन आपकी ननद हर लड़की आपकी तरह एक औरत है। जब उसे कोई पुरुष घूरता है तो ये समझिए आपको घूर रहा है, चाहे वो आपका भाई हो आपका बेटा हो आपका पति हो। उसे हर औरत के लिए सम्मान आप सिखा सकती हैं। कोई लड़का यदि किसी रास्ते चलते लड़की पर ताने कसता है तो मानिए वो आपको छेड़ रहा है। आपके सामने यदि किसी लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है तो समझिए आपकी असमत पर हाथ डाल रहा है। यदि किसी पुरुष ने किसी बेटी किसी महिला का हाथ पकड़ा तो समझिए आपका शरीर छुआ है। यदि आपके सामने किसी बलात्कार की कोशिश की जाती है या बलात्कार होता है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये दरिंदगी आपके साथ हुई है। तब जाकर आप खुद को महिला कहने का अधिकार रखोगी, नहीं तो तब तक आप सिर्फ हार्ड मास की कठपुतली हो। कल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। मासूम के शरीर पर दांतों के निशान हैं। रेप के बाद उसे जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई, बच्ची के मुंह में मिट्टी भरी गई और उसके गले पर धारदार हथियार से वार किए गए। बच्ची की किस्मत तो अच्छी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी वो झटपट आकर भाग आई और मोहल्ले के लोगों ने उसकी हालत देखकर परिवार की खबर ली। अगर
ऐसी घटनाओं के एक महिला होने के नाते आप हिंदू मुस्लिम कांग्रेस राज भाजपा राज मेरी बेटी उसकी बेटी इस जात की उस धर्म की घटिया सोच रखती हैं, औरत औरत में फ़र्क रखती हैं, तो बेटी फेटी में फ़र्क रखती हैं, तब तक न आप अपनी बेटी या अपनी बेटी की सुरक्षा की मांग कर सकती हैं, न आपको सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। महिला की सिर्फ एक जाति एक धर्म एक पहचान होनी चाहिए, वो है सिर्फ महिला, और अगर कोई दूसरी पहचान चाहिए तो खुद को सिर्फ इंसान कहिए। यदि अपने पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के दिए नाम पुरुष की दी हुई जाति पुरुष का दिया हुआ धर्म मानोगी तो आप कभी ना दुर्गा बन सकोगी ना लक्ष्मीबाई बन सकोगी, आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष की संपत्ति बनी रहोगी। आप में आपकी ना कोई ताकत होगी, ना आपको कोई पहचान, ना आपको कोई वजूद रहेगा, ना आपकी कोई महानता होगी, ना आपको दुनिया में याद रखने का, ना कभी कोई आपकी मूर्ति लगेगी, ना आपके ऊपर कोई निबंध लिखे जाएंगे, ना आपके ऊपर कविता लिखी जाएंगी, आप एक गुमनाम जिंदगी जीकर ख़त्म हो जाएंगे। मेरे शब्दों से यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो बुरा मत मानना, ये दर्द वो है जो किसी 2-5 साल की अबोध मासूम बेटी पर बलात्कार होता है और महिलाएं ही चुप रहती हैं, तो दर्द होता है और छलक पड़ता है।